हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी हम चलते हैं गांव पे और आज स्केटिंग करना है गांव पे, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा। और क्या लगता है गांव पे थोड़ा सा पहला बार स्केटिंग करेंगे, थोड़ा सा लोग देखेंगे तो थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन ट्राई करते हैं बॉडी वीडियो शूट करने के लिए। ऐसे कोई एक दोस्त को ले लूँगा साथ में आज, तो अभी गाँव पर चलते हैं। तो गाँव पर तो ऐसे अकेले जाना है, गाँव पर जाकर एक दोस्त को ऐसे हायर करता हूँ, कोई दोस्त मेरे साथ आए। आज ब्लॉग भी मस्त होने वाला है क्योंकि ऐसे गाँव पर स्केटिंग, और ऐसे गाँव पर लोग बहुत ऐसे रिएक्शन देते हैं, अरे का कर तरह का ना, तो ये सब चीज़ बस। तो अभी चलते हैं हम गांव पे, मस्त मज़ा आने वाला है। हे गाइस, जब हम घर से निकल गए, अब निकलते नहीं है, अब चलते, तो घर से निकल कर चल रहे हैं हम गांव। कसम की कसम, हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान। गाइस, अभी हम आ गए हैं स्केटिंग करने, और हम और राजा और सागर अभी ये लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, मेरे दोस्त, और अभी चलते हैं स्केटिंग करने फिर। लेट्स गो। Thank you.
गाइस, तो हम जा रहे थे थोड़ा सा से बैंक में, कुछ काम है, पैसा फंस गया तो उसके लिए हम आए थे पार्क में स्केटिंग करने। पहले तो वॉलीबॉल थोड़ा कुछ देर खेलेंगे, उसके बाद स्केटिंग करेंगे। तो ऐसा आज मन, आज पटना नहीं गए क्योंकि मन नहीं करता, तो धूप इतना आजकल होने लगा ना, लग रहा है कि पटना जाना बंद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे इस मंथ तक हम पटना जाएंगे, अगले मंथ से शायद बंद हो जाए, लेकिन अभी कोई ठीक चांस है नहीं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अभी धूप, आज का अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो बहुत हालत ख़राब है। तो अभी चलते हैं अभी हम, और यहाँ आराम ऐसा नियम लगा दिया है कि वॉलीबॉल ग्राउंड के पास की जो 4 बजे से पहले नहीं आएगा तो ऐसे रेस करेगा 4 राउंड 5 राउंड 400 मीटर का। तो ऐसे तो मन नहीं है कि लेट जाऊँ, इसीलिए पहले ही थोड़ा निकल रहा हूँ। तब चलता हूँ हम आरा वॉलीबॉल ग्राउंड। तैनू पता है पसंद मैनू चॉकलेट बड़ी दे के रुसी नू तू लेना है मना। अभी मयंक का चाय पीने का मन किया तो अभी चाय लेकर आ रहा है। तो अभी हम लोग स्टेडियम में ही स्केटिंग कर रहे हैं, कब से स्केटिंग कर रहे थे। तो अभी ऐसे मयंक अभी आया कुछ देर में, अभी कुणाल आने और आपके सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर कुणाल। चल रहा चाय पिया, होता है तो चाय लपे चाय उठा। पवन सिंह है ना वो, चलो बाय। ए गाना भाई, ये गाना कौन गाना होगा वो पहले तो अब देखो। हे गाइस, तो हम स्टेडियम से मैंग को लेकर जा रहे हैं घर, इसको छोड़कर फिर हम जाएंगे आरा जंक्शन स्केटिंग करने, क्योंकि ऐसे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। तो चलते हैं आरा जंक्शन। तो हे गाइस, अभी आरा जंक्शन पे आप पीछे देख सकते हैं आरा जंक्शन। अभी हम आपसे 4 घंटा से स्केटिंग कर रहे हैं, 4 घंटा से। घर पर आए तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा स्केटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है रोड पर चलने में, थोड़ा सा आज यहाँ पे स्केटिंग करने से रोड पे ऐसा होता है कि, और ये जो ट्रेन वाले हैं ये मेरे ब्रदर हैं, इसीलिए लाइट मार रहे हैं, ऐसे अप डाउन कर रहे हैं। और पीछे अभी ट्रेन खड़ी है पैसेंजर, तो मेरे भैया ही हैं जो अभी चलाने वाले हैं कुछ देर में, तो थोड़ा लाइट एक्स्ट्रा मार रहे हैं। शाम का वक्त हो गया, हम लोग जाते हैं आज कहाँ पार्टी करने, एक दोस्त के शादी है। हम लोग खाना खाने के बाद चलते हैं घर पे हरेंद्र जी के साथ एकदम मस्ती। तो बहुत दिन से हमको रनवल खाने का मन कर रहा था, आज विनी स्टॉप गए और रनवल लेकर घर जा रहे हैं। अच्छा है गाइस, अभी हम घर पे आ गए और 7:10 ब्लॉग इन करने का टाइम आ गया। तो जैसे गांव पे हम गए तो बहुत सारा स्केटिंग किया, बहुत मतलब ऐसे मार्केट में 2-3 राउंड तो 4 राउंड लगा दिए और बहुत लोग देख रहे थे, तो मतलब अच्छा लग रहा था। और एक स्केटिंग अलग से सीखे तो उससे और कुछ अच्छा लगा, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताना कि स्केटिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा और गांव मेरा कैसा है। तो ब्लॉग इन करते हैं।